हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने लैपटॉप या पीसी में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हो। तो उसके मेनली दो तरीके होते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो पहला तरीका ये है कि अगर आपके पास विंडोज 10 है आपके लैपटॉप में या पीसी में, तो इसमें इनबिल्ट ऑप्शन आता है जिसमें आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको विंडो प्लस जी प्रेस करना पड़ेगा। अभी मैं विंडो प्लस जी प्रेस करते ही ये कुछ ऐसा आपके सामने ओपन हो गया। तो यहाँ से जैसे ओपन होता है ना, तो यहाँ से क्लिक करके आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग, या अभी ये यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी नहीं, क्योंकि इसमें है ना आप कोई भी फाइल या स्पेसिफिक कोई ऐप ए वही उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, अभी ये जो फ्रंट है ये होम पेज है, आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। लेकिन जैसे मैं मान लीजिए क्रोम ओपन करता हूँ, अभी इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। मैंने मान लो ये क्रोम ओपन कर लिया, ठीक है। अभी मान लो मेरे को ये यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, तो अभी मैं विंडोज जी प्रेस करूँगा, ये ओपन हो गया ना। अभी मान लो मुझे रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ पे प्रेस किया, अभी ये यहाँ पे देखो रिकॉर्ड का ऑप्शन आ गया। तो अभी यहाँ पे मैं क्लिक करते रिकॉर्ड क्लिक किया, तो यहाँ से रिकॉर्ड शुरू हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ये यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, बाद में रिकॉर्डिंग का ये टाइम दिखा रहा है। अगर रिकॉर्डिंग जैसे ही आपने यहाँ से स्टॉप कर दी, तो ये यहाँ पे दिखेगा नहीं, जैसे वाटर मार्क वगैरह दिखते हैं यहाँ पे शो नहीं होगा। यहाँ से आप ऑडियो को ऑन या ऑफ कर सकते हो। तो अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। इसका ये है कि इसकी एक कमी है, अगर आप जैसे यहाँ से इसको हटाओगे ना, जैसे अभी मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट हो गई। अभी जैसे कोई भी काम करूँगा यहाँ पे तो वो रिकॉर्ड होता रहेगा। अभी तो मेरा नेट ऑन नहीं है। देखो जैसे मैं इसको यहाँ से डिलीट करूँगा ना, जैसे मैं इस विंडो को क्लोज कर देता हूँ और अभी दूसरी विंडो ओपन करूँगा, तो ये यहाँ पे एकदम से रुक जाएगी। जैसे मैंने एक क्रोम को क्लोज़ किया, तो आपकी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वो ख़त्म हो जाएगी। ये इसको आप सिर्फ एक स्पेसिफिक ऐप के अंदर यूज़ कर सकते हो इस तरीके को। जैसे मान लो अगर आपको क्रोम यूज़ करना है, तो आप ये तरीका यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो दूसरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें आप मल्टीपल ऐप यूज़ कर सकते हो। अगर आप एक ऐप से दूसरे ऐप में जम करते हो, या पहले क्रोम यूज़ कर लिया फिर ओपरा मिनी, या फिर फाइल्स में जाते हो कुछ भी यूज़ करते हो, तो उसमें सब कुछ रिकॉर्ड होगा। तो उस ऐप का नाम है ये एक्टिव प्रेजेंटर। तो इस ऐप में आपको कोई भी वाटरमार्क वगैरह, कोई साइड में टाइमिंग वगैरह कुछ भी शो नहीं होगी। तो जैसे आप इसको ओपन करोगे, तो इसमें ऑप्शंस वगैरह आ जाएंगे। तो अभी तो मैं इसी ऐप से ये रिकॉर्ड करके आपको दिखा रहा हूँ, तो अभी मैं इसको आपको ओपन करके दिखाऊंगा। ये आप इस ऐप को ओपन करते हो, तो ये कुछ ऐसे ओपन हो जाएगी। तो अभी आप यहाँ पे रिकॉर्ड ऑडियो के ऊपर, रिकॉर्ड वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आपकी ऑडियो या मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। ये फुल स्क्रीन के ऊपर आपकी पूरी पूरी स्क्रीन कैप्चर हो जाएगी। अगर आप कस्टम करना चाहते हैं, कुछ एडिट मतलब क्रॉप करना चाहते हैं, कि जितनी भी आपको रिकॉर्ड करनी हो आप कर सकते हो। यहाँ पे वेब कैमरा, इसको ऑन या ऑफ कर सकते हो। ये यहाँ पे ऑडियो का है, ये वॉल्यूम का है। तो यहाँ पे क्लिक करते ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैं ये करता हूँ रिकॉर्डिंग पे क्लिक, तो अभी 3 सेकेंड में वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। अभी यहाँ पे आप कुछ भी ओपन करना चाहें, कुछ भी, जैसे यहाँ से मैंने कुछ भी आप जैसे ओपन कर ले, तो जैसे ये पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। अभी जैसे इतना भी रिकॉर्ड हो गया ना, इसको अगर स्टॉप करना हो तो आप इसको स्टॉप भी कर सकते हो। जैसे ये यहाँ पे आ गया, आप दिखा देते हैं ये कुछ ऐसा हो, जैसे अभी रिकॉर्डिंग हो ही रही है, तो अभी आपको स्टॉप करना हो तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, हो गया ना। इसको एडिट करना चाहते हो ना, तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे आप इसको स्टॉप करते हो, ये कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। अभी आपको एडिटिंग वगैरह करनी हो, कुछ भी करना हो, आप यहाँ से कर सकते हो। एडिटिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग, इसके अंदर ऑडियो जो भी ऐड करनी हो वो भी कर सकते हो। अगर मान लो आपको अभी ये सेव करनी है अपनी गैलरी में, तो एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो अभी इसका ये पाथ है, अगर पाथ चेंज करना चाहें कोई भी, जैसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे ब्राउज़र में। अभी जैसे अगर मुझे इसको डाउनलोड्स में करना है, तो डाउनलोड्स में करके यहाँ पर मैं सेव कर दूँगा, तो ये सेव हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों मेथड बढ़िया लगे होंगे। ये मेरे हिसाब से ये
दोनों एक काफ़ी बढ़िया है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो, ये मेथड अच्छे लगे हों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। और इस ऐप का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या अदरवाइज आप गूगल पे डायरेक्ट सर्च करोगे ना तो ये ऊपर ऊपर आएगा, टॉप पे आ जाएगा, और वहाँ पे डाउनलोड का डायरेक्ट ऑप्शन मिलेगा आपको, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकके इंस्टॉल कर लेना, ये चलने लग जाएगा अपने आप ही। कुछ ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, की वगैरह कुछ नहीं डालनी, फ्री ऐप है ये, आप इसको यूज़ कर सकते हो। थैंक यू।